नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर का 24वां लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 23 लेक्चर पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो 23 वाली ना देखी हो, 1 से लेकर 23 तक, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इंस्टेंट हार्टिकल्चर नाम की एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट से आप चाहें तो देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नई क्रॉप जिसका नाम है पोमोग्रेनेट। ठीक, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनार। ठीक, हमने जब पढ़ाई शुरू की थी तब से ही अनार पढ़ रहे हैं, छोटा से अनार बड़ा से आम। ठीक, तो अनार हम आम से पहले ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हम थोड़ा बाद में पढ़ रहे हैं, पहले हम आम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे अनार के बारे में। तो अनार होता क्या है, पोमोग्रेनेट सबसे पहले देख लेते हैं। तो वो देखने में ऐसा होता है, ठीक, कैसा होता है, इस टाइप का अनार होता है। कोई ऐसा नहीं होगा इंडिया में रहने वाला जिसने अनार ना देखा हो। अब बात कर लेते हैं इसके बोटेनिकल नेम की। इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, प्यूनिका ग्रेनाटम। ठीक, इसका पोमोग्रेनेट का बोटेनिकल नेम क्या है, प्यूनिका ग्रेनाटम। पोमोग्रेनेट प्यूनिका ग्रेनाटम, पोमोग्रेनेट प्यूनिका ग्रेनाटम, ऐसे आप 4-6 बार कहिए आपको याद हो जाएगा। कैसे, पोमोग्रेनेट प्यूनिका ग्रेनाटम। ठीक, इसकी फैमिली क्या है, प्यूनिकेसी, इसी प्यूनिका से ही बन गया क्या, प्यूनिकेसी। तो ये अगर आपको ये याद हो जाएगा तो प्यूनिकेसी इसकी फैमिली तो आसानी से याद ही हो जाएगी। इसका ओरिजिन प्लेस जो है वो ईरान है। ठीक, ईरान में माना जाता है। ईरान कौन सी कंट्री है, एक गल्फ कंट्री है जो किस में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक, ये हो गया आपका क्या, पोमोग्रेनेट का ओरिजिन प्लेस जो है ईरान। अब देखते हैं पोमोग्रेनेट से जुड़े और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई हैं, उन्हीं के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके आज पढ़ेंगे पोमोग्रेनेट के बारे में। ठीक, आपको बस यही करना है कि आप धीरे धीरे पढ़ते जाइए और नोटबुक लेके नोट्स भी बनाते जाइए। ठीक, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसको आप नोट डाउन करते जाइए, फिर उस नोट जो आपने बनाया है उस नोट को 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको तैयार हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं बाहर ट्रीटमेंट क्या होता है। बाहर ट्रीटमेंट जब मैंने गुआवा पढ़ाया था तो गुआवा में भी बताया था, उसके बाद जब मैं मैंडारिन पढ़ा रहा था, सिट्रस ग्रुप की एक क्रॉप मैंडारिन को जब मैं पढ़ा रहा था उसमें भी मैंने बताया था कि बाहर ट्रीटमेंट क्या होती है। बाहर ट्रीटमेंट 3 प्रकार की होती है, मृग बाहर, अंबे बाहर और हस्त बाहर। इसके बारे में हमने उसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन कर लिया है उन दोनों में, एक गुआवा में और दूसरा सिट्रस ग्रुप के मैंडारिन क्रॉप में। तो अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो वो देख लीजिए, आपको वहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि बाहर ट्रीटमेंट होता क्या है। तो इन दो क्रॉपों के अलावा पोमोग्रेनेट भी एक ऐसी क्रॉप है जिसमें हम क्या करते हैं, बाहर ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। अब देखो, मोर इंसिडेंस ऑफ फ्रूट क्रैकिंग यानी कि इंटरनल ब्रेकडाउन टेक प्लेस इन मृग बाहर सीजन। जो मृग बाहर सीजन होता है यानी कि गर्मी वाला जो सीजन होता है, गर्मी के समय में जो हमें अनार मिलता है, जो पोमोग्रेनेट का फ्रूट मिलता है, उस फ्रूट में एक बहुत ही मेजर टाइप का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर मिलता है जिसका नाम है फ्रूट क्रैकिंग। इसका फ्रूट क्या होता है, फट जाता है। लेकिन इसके फटने में और लीची भी फटता था, फ्रूट क्रैकिंग वाली प्रॉब्लम उसमें भी थी, इन दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है दोनों को। लीची में जो फ्रूट क्रैकिंग होती थी तो उसका ऊपरी वाला जो लाल लाल छिलका होता था लीची का, वो फट जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है, इंटरनली ब्रेकडाउन होता है यानी कि अंदर इसके फट जाएगा, अंदर एक कायदे से बंच टाइप में बना नहीं रहेगा। उसके जो दाने होते हैं पोमोग्रेनेट के, जो सीड वाला दाना होता है, वो कायदे से वहाँ नहीं होता है, वो वहाँ पर बीच में ही, वहाँ से बीच में फटा रहता है। अंदर जब आप देखेंगे तो वो लगेगा कि अंदर ही फट गया। ठीक, तो इंटरनल ब्रेकडाउन होता है। ये कब होता है, गर्मी के मौसम। ऐसा होता क्यों है, जब टेम्परेचर कम और ज़्यादा होता, अचानक कम हो गया, अचानक ज़्यादा हो गया, कभी ह्यूमिडिटी कम हो गई, कभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, इसी वजह से, या बोरान का न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो गया, बोरान की कमी वमी हो गई, उसी समय यह क्या होता है, पोमोग्रेनेट में फ्रूट क्रैकिंग की प्रॉब्लम आती है। अगला पॉइंट देखो, दारू। ये वाइल्ड टाइप की एक वेराइटी है, वाइल्ड टाइप की एक वेराइटी है जिसको हम दारू दारू बोलते हैं। वो कैसा है, एक पोमोग्रेनेट का वाइल्ड टाइप की यानी कि जंगली टाइप की एक वेराइटी है। ठीक, वाइल्ड टाइप यानी कि जंगली टाइप की वेराइटी। ठीक, इसी तरीके से आपको जो मैंगो है,
मैंगो में भी ऐसे बहुत सी वाइल्ड टाइप की वैरायटियां मिलेंगी। ठीक, मैंगो की भारत में लगभग 1 से 2 हज़ार वेराइटियाँ। ठीक, इतनी लगभग 1 से 2 हज़ार वेराइटियाँ हैं, सभी को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है कि हाँ इतनी प्रकार की वेराइटियाँ हैं भी, समझ गए। कुछ वेराइटियों को तो पता ही नहीं है, नाम भी नहीं पता, इतनी वाइल्ड टाइप की वेराइटियाँ हैं। अब देखो तो ये समझ गए आप, दारू, दारू क्या है, ये पोमोग्रेनेट की वाइल्ड टाइप की एक वेराइटी, जंगली एक वेराइटी है। फिर देखो अमली दाना, अमली दाना एक बड़ी अच्छी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेराइटी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप पोमोग्रेनेट का खेती करना चाहते हैं, पोमोग्रेनेट लगाना चाहते हैं, तो ये वैरायटी भी आपके लिए बड़ी अच्छी है। ठीक, बहुत प्रोडक्टिव होती है, एक हाइब्रिड टाइप की वैरायटी है, एक नई हाइब्रिड वैरायटी है जो अभी जल्दी में निकाली गई है। कहाँ से? IIHR से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटका में। ठीक, अब देखो ये क्या होता है, अमली दाना ये वेराइटी है, हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड वैरायटी कैसे डेवलप की जाती है? किसी दो वैरायटी के क्रॉस से। कोई भी हाइब्रिड वैरायटी जो डेवलप होती है वो किसी और दो वैरायटियों की क्रॉस से होती है। तो वो दो वैरायटी कौन कौन सी थी? एक थी गणेश वैरायटी और एक थी नन्हा वैरायटी। ठीक, एक गणेश थी और एक नन्हा वैरायटी थी, ये नन्हा है, और एक हमने पढ़ा है पूसा नन्हा वैरायटी। पूसा नन्हा वैरायटी पढ़ा है? अभी जब हम आपको पपाया पढ़ा रहे थे तो पपाया में मैंने पूसा नन्हा पढ़ाया था। ठीक, तो पूसा नन्हा किसकी वैरायटी है? पपाया की है, और नन्हा किसकी वैरायटी है? ये पोमोग्रेनेट की है। तो ये गणेश और नन्हा के क्रॉस से कौन सी वैरायटी बनाई गई है? अमली दाना। अब देखो ये दो वैरायटियां तो हैं, लेकिन अब हम पता कैसे चलेगा कि मेल वाली कौन सी वैरायटी थी और फीमेल वाली, यानी कि जैसे क्रॉस किया गया तो उसमें मेल का पार्ट कौन अदा कर रहा था और फीमेल वाला पार्ट अदा कर रहा था, यानी कि अंडाशय किसका था और स्पर्म किसका था। ठीक, यानी कि पोलन किसका था और ओव्यूल किसका था, पोलन किसका था और ओव्यूल किसका था। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम कभी क्रॉस लिखते हैं तो सबसे पहले वाले को हम क्या लिखते हैं? फीमेल वाले को, बाद में किसको लिखते हैं? मेल वाले को। ठीक, तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है FM, FM, ठीक, जो फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज जो होता है, FM बैंड रेडियो में, उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले किसको लिखते हैं? फीमेल को लिखते हैं, उसके बाद मेल को लिखते हैं। जो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो कौन सा महत्वपूर्ण होता है? फीमेल महत्वपूर्ण होता है, मेल का तो कोई पता ही नहीं होता है। ठीक, तो इसीलिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फल लग रहा है, फल किस पे लगेगा? फल फीमेल पे ही तो लगेगा, मेल पे तो लगेगा नहीं, तो फीमेल पे लग रहा है इसीलिए फीमेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले किसको लिखते हैं? फीमेल को लिखते हैं। इसी तरीके से जो गणेश था वो फीमेल है, और ये जो नन्हा है ये मेल था, इन्हीं दोनों का क्रॉस करके अमली दाना वेराइटी ये बनाई गई थी। फिर देखो वुड यंगर देन 6 मंथ एंड ओल्डर देन 18 मंथ, क्या करते हैं कि 6 महीने से लेके 18 महीने के बीच के जो भी हो, क्या वुड यानी कि जो स्टम, हम इसका प्रोपोगेशन जानते हैं कैसे करते हैं? हार्डवुड कटिंग या सेमी हार्डवुड कटिंग से। ठीक, इसकी कटिंग लगा दो, जैसे गुलाब की कटिंग लगा देते हैं चल जाता है, उसी टाइप से इसकी भी कटिंग लगाते हैं, लेकिन गुलाब की भी हम, हाँ ठीक, गुलाब की कटिंग, इसमें किस प्रकार की कटिंग करते हैं? हम करते हैं इसमें सेमी हार्डवुड कटिंग या हार्डवुड कटिंग। अधिकतर जो बुक है उसमें आपको हार्डवुड कटिंग मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर सेमी हार्डवुड कटिंग भी मिल जाता है। तो जो 6 महीने से लेके 18 महीने के बीच वाले जो स्टेम होते हैं, जो ब्रांच होती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने पुरानी हो और कम से कम 6 महीने पुरानी, उस ब्रांच को हम लेते हैं, कटिंग करते हैं, और कटिंग करके फिर हम लगा देते हैं। एक पॉड में लगा देंगे और फिर उस पॉड को ट्रांसप्लांटिंग करके मेन फील्ड में लगा देंगे, इस टाइप से इसकी कटिंग को हम कर लेते हैं। अब कटिंग करने के एग्जैक्ट तरीके कैसे होते हैं ये हम जो प्रोपोगेशन पढ़ाएंगे तो प्रोपोगेशन में खूब डिटेल में पढ़ा देंगे, इतना डिटेल में कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कटिंग बडिंग लेयरिंग ग्राफ्टिंग होता कैसे है, करते कैसे हैं, और ये किस क्रॉप में कैसे किया जाता है। आपको रटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कि हमको रटना पड़े किस में क्या करते हैं, आप पौधे का करेक्टर देख के ही पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सी प्रोपोगेशन मेथड चल जाएगा, सीड चलेगा या कटिंग चलेगा, बडिंग चलेगा, ग्राफ्टिंग चलेगा या लेयरिंग चलेगा, यह सब हम आगे पढ़ाने वाले हैं। ठीक, अब देखो फिर अगला पॉइंट क्या है, मल्टी मल्टी स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम इज फॉलोड इन इंडिया। मल्टी स्टेम समझ रहे हो, मतलब ढेर सारे स्टेम, एक तना नहीं कई सारे, जैसे आम का देखा होगा,
आम का एक ही तना होता है, ठीक। अमरूद का क्या होता है, एक ही तना होता है। लीची का एक ही तना होता है, फिर उस एक तने से मेन स्टेम जो होता है वहां से फिर ढेर सारे ब्रांच निकली होती है। लेकिन पोमोग्रेनेट की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। वहां क्या होता है, स्टार्टिंग में जैसे मान लो कि एक पोमोग्रेनेट निकला, जर्मिनेट हुआ, एक स्टेम था, तो हम क्या करते हैं कि बिल्कुल जमीन के थोड़ी सी ऊंचाई पर हम इसको काट देते हैं। थोड़ी सी ऊंचाई समझ रहे हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर इतने से हम इसको काट देंगे। जब हम इसको काट देंगे इसमें 3-4 ऐसे ब्रांच निकल जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेम, ढेर सारे उसमें स्टेम हो जाते हैं। कभी कभी तो कहीं कहीं पे देखने में ऐसा मिलता है कि वहां पर तो 20-20, 25-25 स्टेम निकले होते हैं। तो वो 20-25 जो हो जाते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, उतना नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। इधर गांव में कहीं कहीं पे एक आध पौधे जो मिल जाते हैं उनकी सही से ट्रेनिंग प्रूनिंग नहीं हो रही होती, इसीलिए उनमें जो प्रोडक्शन होता है ठीक ठाक नहीं होता। लेकिन अगर हमको कॉमर्शियल स्केल पे करना है तो हम 3-4 ब्रांच या 5 ब्रांच ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4-5 स्टेम मेन स्टेम रख सकते हैं। फिर उस मेन स्टेम से और भी ब्रांच निकलेगी और फिर धीरे धीरे वो झाड़ी नुमा कायदे से लग जाएगा और उस पर फिर फ्रूटिंग होगी, ठीक। तो ये मल्टी स्टेम वाला जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो किस में फॉलो होता है, इंडिया में फॉलो होता है पोमोग्रेनेट वाली क्रॉप में। इट इज कंसिडर्ड टू बी हाईली ड्रॉट टॉलरेंट, ये जो क्रॉप होती है ड्रॉट टॉलरेंट होती है। ड्रॉट टॉलरेंट मतलब समझ रहे हो, पानी की अगर कमी है तो ये क्रॉप लगा दो। अगर आपको इरिगेशन की फैसिलिटी आपके पास नहीं है, केवल आपका जो कल्टिवेशन है वो रैन फेड पे ही डिपेंड है कि पानी बरसेगा तब भी पानी मिलेगा, तो उस कंडीशन में हम इसको लगा सकते हैं। या आपके पास मान लो पानी की अच्छी सुविधा नहीं है, बहुत कास्टली पानी की सुविधा उपलब्ध है, उस समय हम ड्रॉट टॉलरेंट कर सकते हैं, इस क्रॉप को उगा सकते हैं, क्योंकि ये ड्रॉट टॉलरेंट सूखे के प्रति सहनशील फसल है। अब देखो एंटी ट्रांसपेरेंट्स, ट्रांसपेरेंट्स देखो क्या होता है, सच दैट 10% कायोलिन, क्या करते हैं 10% कायोलिन लेते हैं और 10 to 5 mg फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं, ठीक। इतना क्या लेते हैं, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं। उसके बाद 1.5%, ठीक 1.5%, ये गलत लिख रहा है, 1.5% पावर ऑयल लेते हैं, 1% लिक्विड पैराफिन लेते हैं। इट बेनिफिशियल फॉर इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, देखो समझो कि इसको इसको ये जितना भी हमने कॉन्स्टिक्वेंट बताया है, यानी कि ये पावर ऑयल ले लेंगे, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट ले लेंगे, उसके बाद कैवलिन ले लेंगे, इन सब का एक मिक्सचर बनाएंगे और उसके साथ साथ ल्यूकिन लिक्विड पैराफिन यानी कि मोम ले लेंगे, ठीक पैराफिन मोम, इन सब चीज़ों का एक हम मिक्सचर बनाते हैं। और मिक्सचर बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि पौधों पर इसका छिड़काव कर देते हैं, तो पौधे क्या हो जाते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट्स हो जाते हैं। मतलब कि इनमें जो ट्रांसपिरेशन वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है, ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। देखो क्या होता है, होता क्या है कि जब गर्मी का समय आता है और हमारे पास मान लो सिंचाई के पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो क्या होगा कि वाष्पोत्सर्जन जब होगा, ठीक ट्रांसपिरेशन जब होगा, तो पौधे पत्तियों के थ्रू अपने रिस्टोमेटा खोल खोल के पानी निकाल देंगे, पानी बाहर चला जाएगा, तो पौधों को पानी की कमी हो जाएगी, तो पौधे मुरझला जाएंगे, झुलसने लगेंगे, ठीक उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका घोल को हम छिड़क देते हैं पौधे पर। तब ये जब घोल हम छिड़क देते हैं तो क्या होता है कि ये पत्तियों के रंध्र पर जाके बैठ जाता है। जैसे मान लो एक ये पत्ती है, अब जब हमने छिड़काव किया तो पत्ती पर एक पतली सी लेयर चढ़ गई, ठीक इस जो ये इस मिक्सचर का, इस सोल्यूशन का एक उस पर पतली सी परत चढ़ गई, तो जिससे क्या होगा इसके रंध्र जो हैं वो बंद हो जाएंगे, ठीक। तो इससे ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया है वाष्पोत्सर्जन की, ये नहीं होगी और वाटर का लॉस जो होगा वो कम हो जाएगा, कुछ हद तक रुक जाएगा, जिससे फ्रूट क्रैकिंग वाली जो समस्या इसमें आ रही होती है ये भी नहीं आएगी और पानी की जो रिक्वायरमेंट है पौधे की ये भी कम हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, समझ गए। अब देखो, जूस ऑफ पोमोग्रेनेट इज यूजफुल फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी। लेप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग से जो ग्रसित आदमी है, ठीक वे लोग जिनको कुष्ठ रोग हो गया है, उन लोगों के लिए पोमोग्रेनेट का जूस बहुत अच्छा मेडिसिन का काम करता है, ठीक। डॉक्टर लोग उनको रिकमेंड करते हैं कि आप पोमोग्रेनेट का जूस लीजिए रोज 1 गिलास, इससे आपका जो लेप्रेसी है इसकी रिकवरी में अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा, अच्छे से आप रिकवर
कर जाएंगे। तो ये हो गया आपका एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेप्रेसी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद कर लेना कायदे से कि जो पोमोग्रेनेट का होता है वो लेप्रेसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर क्या है, समर क्रॉप मैक्सिमम डिमांड, जो गर्मी वाली क्रॉप होती है, गर्मी वाली क्रॉप मतलब मृग बाहर वाली क्रॉप। अब ये जो मृग बाहर वाली क्रॉप होती है इसकी डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि जो पोमोग्रेनेट का जूस होता है, ठीक, अनार का जो जूस होता है ये बड़ा स्वादिष्ट होता है, पीने में बड़ा अच्छा लगता है, और जूस लोग पीते कम हैं, गर्मी के मौसम में पीते हैं, ठीक। तो इसीलिए समर में इसके, गर्मी के समय में इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है पोमोग्रेनेट की। अगला पॉइंट क्या है, पोमोग्रेनेट इस कल्टिवेटेड कॉमर्शली इन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो पोमोग्रेनेट की कल्टिवेशन होती है कॉमर्शियल स्केल पे, जो कल्टिवेशन होती है वो कहाँ होती है, महाराष्ट्र में होती है। अब देखो, रूट ट्रीटमेंट विथ 3000 ppm IBA गिव मैक्सिमम सर्वाइवल। क्या होता है, जब हम इसकी, हमने अभी कहा कि इसकी हार्डवुड कटिंग लगाते हैं, अभी मैंने कल भी पढ़ाया था लीची, लीची एक क्रॉप पढ़ाई थी, लीची में भी मैंने बताया था कि इंडोल ब्यूटारिक एसिड का सोल्यूशन लगाते हैं, ये क्या करता है कि रूट के जर्मिनेशन को इम्प्रूव करता है, यानी कि रूट अच्छे से निकलती है अगर हम कटिंग लगा रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जब हम कटिंग लगा रहे होते हैं लीची में, क्या कर रहे होते हैं, एयर लेयरिंग करते हैं, लेकिन रूट तो वहाँ भी डेवलप करना होता है एयर लेयरिंग में भी, तो वहाँ पर भी हम IBA लगाते हैं, यहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ भी IBA लगाएंगे, गुलाब में भी हम कटिंग करते हैं तो वहाँ IBA का सोल्यूशन लगाएंगे। इससे क्या होगा कि रूट का जो जर्मिनेशन है, यानी कि रूट जो जमेगी, उसमें नई नई जो जड़ें निकलेंगी वो जल्दी निकलेंगी और ढेर सारी निकलेंगी, जिससे पौधा कायदे से ही इस्टेब्लिश हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि 3000 ppm का घोल बना लेते हैं, ठीक, पानी में मिला लेंगे इसको, 1 लीटर पानी में कितना मिला लेंगे, 3000 ml, ठीक, इतना मिला लेंगे IBA का सोल्यूशन। उसके बाद क्या करेंगे, इसको रूट में, इसके इस सोल्यूशन में, रूट को जैसे मान लो डब्बे में ले लिया, इसे डब्बे में इस सोल्यूशन को भर लिया, अब जो रूट हम कटिंग करके लगा रहे हैं उस रूट को ऐसे इसमें भिगो दिया, भिगोने के बाद फिर हमने क्या किया, इसको पॉड में लगा दिया, गमले में लगा दिया, ठीक। फिर क्या होगा कि जो सर्वाइवल होता है, यानी कि पौधा ऐसा ना हो कि वो मर जाए, तो सर्वाइवल का जो इफिशेंसी होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि जैसे आपने 100 पौधे लगाए और बिना IBA के लगाए, मतलब बिना हार्मोन के लगाया, तो हो सकता है 80-90 पौधे डेवलप हों, ठीक, 80-90 पौधे ही जर्मिनेट करें, लेकिन अगर आपने इसका सोल्यूशन भी लगा के डिप करके अगर लगाया है तो हो सकता है कि 95% से ज़्यादा पौधे सर्वाइव कर जाएं, कुछ ही पौधे आपके डेड होंगे, ठीक। तो ये तो हो गया इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जुलाई अगस्त इज द आइडियल टाइम ऑफ प्लांटिंग इन ट्रॉपिक्स, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, क्योंकि पोमोग्रेनेट जो है एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट की क्रॉप है, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, इसकी प्लांटिंग का सबसे अच्छा जो समय होता है कब होता है, जुलाई से अगस्त, बरसात के समय में लगाते हैं, ठीक, बरसात के समय में लगाएंगे, पानी की पर्याप्त मात्रा मिलती रहेगी इसको और ये कायदे से डेवलप हो जाएगा। फिर अगला क्या है, एंटी ट्रांसपेरेंट, ये वही चीज़ लिखा है जो अभी मैंने पहले पढ़ा दिया था। फिर इसकी वेराइटी देख लेते हैं, कौन कौन सी वेराइटियाँ हैं जो पोमोग्रेनेट में अच्छी मानी जाती हैं, काफ़ी वेराइटियाँ पोमोग्रेनेट की जो हैं ये पूछी गई हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे FO हो गया, UP कैडेट का PG सिलेक्शन हो गया, ठीक, PG में एंट्रेंस लेना हो या PhD में लेना हो, तो इन सब में ये काफ़ी भी पूछा जाता है। और अगर आप UP उसकी तैयारी कर रहे हैं, AFO की तैयारी, शुगर कैन सुपरवाइजर की, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं, हार्टिकल्चर से, उसमें इसकी वेराइटियाँ भी ठीक ठाक से पूछी जाती हैं। अब देखो, पेपर सील्ड एक इसकी वेराइटी है, बड़ी अच्छी वेराइटी मानी गई है। उसके बाद मुस्काती रेड, ठीक, मुस्काती रेड बड़ी अच्छी वेराइटी है। फिर अगला क्या है, स्पेनिश रूबी, ये भी एक अच्छी वेराइटी है। आलंदी, ये भैया बड़ी इंपॉर्टेंट वेराइटी है आलंदी, ठीक, आलंदी को नोट डाउन कर लेना, कायदे से स्टार मार्क करके रख लेना, आलंदी ये पोमोग्रेनेट की वेराइटी है जो बड़ी फेमस है। और फिर करादी, ये भी एक अच्छी वेराइटी है। इसके बाद फिर मस्कट, मस्कट भी एक अच्छी वेराइटी है। मधुगिरी, मधुगिरी भी एक अच्छी वेराइटी है इसकी। उसके बाद
बसेन सीडलेस, ठीक, बसेन सीडलेस ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना इस वैरायटी को। फिर अगली वैरायटी है धोलका, ठीक, भी अच्छी वैरायटी है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। फिर अगला कौन सा है, जोलोर सोड सीडलेस, ये भी एक अच्छी वैरायटी है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। फिर और वैरायटी भी है, छावला, नाभा और कंट्रीज लार्ज रेड, कंट्री लार्ज रेड, ये भी एक स्टार मार्क वैरायटी है, मानी यानी कि बड़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। गणेश वैरायटी, ये भैया बड़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, भी है, इसको स्टार मार्क कर लेना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इसमें 5-6 वैरायटियां जो मैंने बताई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसको कायदे से याद कर लेना। अब देखो ये जो है वो सिलेक्शन फ्रॉम आलंदी, आलंदी के सिलेक्शन के थ्रू इसको बनाया गया, जो गणेश वेराइटी है इसको कैसे बनाया गया है, सिलेक्शन फ्रॉम आलंदी, इट हैज रेगुलराइज्ड कल्टिवेशन इन महाराष्ट्र। मतलब जब ये वैरायटी आई गणेश वैरायटी, किसके सिलेक्शन से आई, आलंदी के सिलेक्शन से, तो जब ये वैरायटी डेवलप हुई, आलंदी वैरायटी आ गई, तो उसने एक रेगुलेशन ले आया, ठीक, वो एक क्रांति हो गई, किस मामले में, पोमोग्रेनेट के कल्टीवेशन में एक क्रांति आ गई, ठीक, जिससे महाराष्ट्र में इसकी खेती बड़े जोर शोर से होने लगी, क्योंकि अच्छे प्रोडक्शन देती थी गणेश वेराइटी जो है। अब देखो G137 ये क्या है, क्लोनल सेक्शन ऑफ गणेश। देखो ध्यान से समझो, आलंदी से क्या बनाया गया, गणेश बनाया गया सिलेक्शन के थ्रू। फिर गणेश से क्या क्या किया गया, गणेश का क्लोनल सिलेक्शन करा के बनाया गया G137। पहले कौन था, आलंदी था, आलंदी से क्या बना, गणेश, किसके थ्रू, सिलेक्शन से। फिर गणेश से क्या बना, G137, ये किससे बना, क्लोनल सिलेक्शन से। सिलेक्शन और क्लोनल सिलेक्शन में अंतर होता है, क्लोनल सिलेक्शन में क्या होता है कि ढेर सारे हम क्लोन करते हैं, ठीक, आलंदी जैसे गणेश वैरायटी है, गणेश वैरायटी का हमने ढेर सारा क्लोन बना लिया, अब उसमें से कोई एक क्लोन बड़ा अच्छा काम कर गया, फिर उस अच्छे वाले जो क्लोन को, जो अच्छा काम कर गया, उसको हमने एक नई वैरायटी के रूप में डेवलप कर लिया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्लोनल सिलेक्शन। जब ब्रीडिंग पढ़ाएंगे तो कायदे से समझा देंगे क्लोनल सिलेक्शन कैसा होता है, अभी इतना थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए कि क्लोनल सिलेक्शन होता क्या है। फिर उसके बाद आलंदी से जो गणेश बनाया गया था, यानी सिलेक्शन से जो बनाया गया था, सिलेक्शन क्या होता है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो क्या होता है, जैसे मान लो आलंदी के हमारे पास 2-3 हजार पौधे हैं, कितने पौधे हैं, 2-3 हजार पौधे हैं। अब उसमें से कोई एक पौधा हमने देखा कि बड़ा अच्छा वो प्रोडक्शन दे रहा है, वो पौधा लंबाई चौड़ाई और उत्पादन में भी अच्छा, उसके जो फल हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो हमने क्या किया कि उसी पौधे के सीड को लिया, या उसी पौधे से हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया और उसी को एक नई वैरायटी के रूप में डेवलप कर लिया, हमने एक सिलेक्ट किया था, मतलब ऐसे 3-4 हजार जो पौधे थे आलंदी के, उसमें से एक पौधे को सिलेक्ट करके एक नई वैरायटी के रूप में डेवलप कर लिया जो देखने में अच्छा था। जैसे अभी आप खेत में चले जाओ, जैसे मान लो आम का बगीचा है, आम के बगीचे में चले जाओ, आपने दशहरी लगाया है, तो अगर आपके पास 4-5 हजार पौधे हैं दशहरी के, तो आप देखेंगे कोई एक आध पौधा ऐसा हो जाएगा जो बहुत खराब क्वालिटी का हो जाएगा, और कोई एक आध पौधा ऐसा हो जाएगा जो और दूसरी वैरायटियों से भी अच्छा हो जाएगा, ठीक, तो जो अच्छा हो जाएगा उसको हम एक नई वैरायटी के रूप में डेवलप कर लेंगे। इसी तरीके से गणेश को डेवलप किया गया है, तो ये सिलेक्शन वाला प्रोसेस हो गया, और क्लोनल सिलेक्शन मैंने बता दिया कि क्लोन बना के सिलेक्शन करते हैं। फिर एक वैरायटी है P25, ये सीडलिंग सिलेक्शन फ्रॉम मस्कट। इसमें क्या होता है, सीडलिंग सिलेक्शन में क्या होता है कि हमने क्या किया, हमारे पास एक, हम लेके आए एक पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट का एक फल लेके आए, उसमें से ढेर सारे सीड हुए, अब उन ढेर सारे सीड को हमने क्या किया कि लगा दिया, ठीक, उनको जर्मिनेट कर दिया, सोइंग कर दी उनकी, अब वो ये जर्मिनेट होंगे, जम जाएंगे, तो जमने के बाद वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, तो उनकी जो सीडलिंग है वो ग्रो करने लगी। अब उसी सीडलिंग ने हमको कोई अच्छा सा सीडलिंग लग गया कि अच्छा ये सीडलिंग बड़ी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ हो रहा है, तो उसको हमने सेलेक्ट करके एक नई वैरायटी का नाम दे दिया, तो उससे क्या कहते हैं, सीडलिंग सिलेक्शन कहते हैं, ठीक, वो सीडलिंग सिलेक्शन कौन है, P25 है, ठीक, ये किससे डेवलप किया गया है, जो मस्कट एक वेराइटी थी उस वेराइटी के सीडलिंग सिलेक्शन से बना है, क्या P25 बना है।
फिर अगला कौन सी वैरायटी है? मृदुला। इसको भी भैया क्या कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। ये कैसे बना है? गणेश गुलाब शाह रेड, इन्हीं के क्रॉस से बना है, यानी कि गणेश और गुलाब शाह रेड के क्रॉस से मिलकर बना है। कौन सी वैरायटी? मृदुला। ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है। फिर ज्योति, ज्योति किससे बना है? बसेन सीडलेस से और ढोलका से। बसेन सीडलेस कैसा है? फीमेल है, और ढोलका कैसा है? मेल है। इसके क्रॉस से क्या बनाया? ज्योति वैरायटी बन गई। उसके बाद अरक्टा, ये भी एक अच्छी वैरायटी है। अब इसकी जो हाइब्रिड वैरायटी है उनको देख लेते हैं। रूबी, ये भैया बड़ी फेमस वैरायटी, इसको भी याद कर लेना। गणेश, काबुल और यॉर्कर्ड, ये तीन के क्रॉस से बनाया है, ट्रिपल हाइब्रिड बोलते हैं इसको। ठीक, अब देखो सॉफ्ट सीडेड वैरायटियाँ कुछ होती हैं पोमोग्रेनेट की, उसके बारे में देख लेते हैं कि सॉफ्ट सीडेड वैरायटियाँ क्या होती हैं। वह वैरायटी मतलब पोमोग्रेनेट की वो वैरायटी जिसके सीड जो होते हैं वो बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। देखो इसमें ध्यान से देखो, इसमें देखो सीड दिख रहा है, दिख भी रहा है तो खूब छोटे छोटे दिख रहे हैं, वैसे माइन्यूट माइन्यूट, यानी कि इनको ऐसे निकालो और चम्मच से बिल्कुल खाते चले जाओ, सीड वीड का कोई झंझट नहीं है। तो ये क्या हो गया, सॉफ्ट सीडेड वैरायटी कौन कौन सी है? ज्योति है, गणेश है, बसेन सीडलेस है, उसके बाद पेपर सेल है। ये तीन प्रकार की जो वेराइटियाँ हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी, चार वैरायटियां जो है ये मानी गई हैं। जो सॉफ्ट सीडेड वैरायटी है ये हार्ड सीडेड वैरायटी की अपेक्षा अच्छी होती है, यानी कि ये वाली जो इस ग्रुप की जो वैरायटियां हैं ये अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें सीड नहीं होता। अब आदमी यही चाहता है कि सीड वीड ना हो, केवल फल फल ही मिले। ठीक, इसीलिए ये अच्छा माना गया है। फिर अगला है हार्ड सीडेड वैरायटी, इसमें ध्यान से देखो, देखो इसमें सफ़ेद सफ़ेद देखो ये दिख रहा है, इसमें सीड दिख रहे हैं, यानी कि इसके सीड जो हैं वो हार्ड हार्ड और बड़े बड़े हैं। कौन कौन सी वैरायटी है? कांधरी, उसके बाद आलंदी। ये दो वैरायटियां जो हैं ये हार्ड सीडेड वैरायटी थी। तो आज का आपका जो पोमोग्रेनेट था वो ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की नई नई वीडियो लाता रहूँ। मिलते हैं अगली क्लास में किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।